तो हाँ, तो दोस्तों हाजिर आपके लिए एक और नई जबरदस्त वीडियो लेकर। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको JBL की तरफ से आने वाले JBL के 1500 वाट डुअल सबवूफर की फुल बेस टेस्ट कराऊंगा। और देखिए दोस्तों, वीडियो में आपको बता दूं, आज की इस एक वीडियो में हम यहाँ पर तीन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। पहला जो टॉपिक है वो है हमारा ये कि आज की वीडियो में मैं आपको JBL के 1500 वाट डुअल सबवूफर की फुल बेस टेस्ट कराऊंगा। और दूसरा जो टॉपिक है वो है हमारा ये, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हमने ये एक डुअल सबवूफर का बॉक्स बनाया था जिसमें हम 300 वाट RMS से लेकर 800 वाट RMS के दो सबवूफर को चला सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस सबवूफर बॉक्स के अंदर 325 वाट RMS के दो सबवूफर को चलाकर देखेंगे किस तरह की हमको इस सबवूफर बॉक्स के अंदर बेस देखने के लिए मिलती है। और तीसरा जो दोस्तों टॉपिक है वो है हमारा ये कि आज की वीडियो में हम यहाँ पर इस वर्ल्टेक के 1000 वाट RMS मोनो एम्पलीफायर पर इन दोनों सबवूफर को प्ले करने वाले हैं कि इस वर्ल्टेक के मोनो एम्पलीफायर पर हमको JBL के डुअल सबवूफर की किस तरह की परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों वीडियो आज की बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, कृपया करके आप वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों जो नए लोग हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा पूरा सेटअप, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको सेटअप दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमने यहाँ पर सेटअप को किया हुआ है। तो सबसे पहले है दोस्तों हमारे पास ये JBL की तरफ से आने वाले JBL 1500 वाट के डबल सबवूफर। एक सबवूफर हमारा इस साइड लगा है, दूसरा सबवूफर हमारा इस साइड लगा है। और देखिए दोस्तों, ये दोनों सबवूफर उसी सबवूफर बॉक्स में लगे हैं जो कि हमने 300 वाट RMS से लेकर 800 वाट RMS के लिए जो सबवूफर बॉक्स बनाया था। और दोस्तों इन दोनों सबवूफर को चलाने के लिए हमारे पास है ये वर्ल्टेक का 1000 वाट RMS का मोनो एम्पलीफायर। और देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ स्पीकर वगैरह की, तो पीछे की साइड अभी हमारे यहाँ पर पाइनियर के 69 के दो स्पीकर लगे हैं जो कि 400 वाट के हैं। और आगे की तरफ इस कार के अंदर सोनी के 4 इंच के स्पीकर लगे हैं। और ये चारों स्पीकर हमारे पाइनियर के इस वाले कार स्टीरियो पर चल रहे हैं जो कि है हमारा सिंगल डिन। तो कुछ इस तरह से दोस्तों मैंने यहाँ पर इस सेटअप को किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इन दोनों सबवूफर और इस वर्ल्टेक के मोनो एम्पलीफायर के हमने किस तरह से कनेक्शन कर रखे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है हमारे सबसे पहले पावर के कनेक्शन। तो देखिए दोस्तों, ये जो ब्लैक वाली वायर है ये हमारे एम्पलीफायर की ग्राउंड वायर है, ये बीच में रिमोट वायर है, और ये है हमारी 12 वोल्ट के कनेक्शन जो कि हमारी कार के डायरेक्ट बैटरी से अटैच है। और देखिए दोस्तों, ये है हमारे सबवूफर के कनेक्शन। यहाँ पर अभी प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए है मैंने यहाँ पर सबवूफर के कनेक्शन कर रखे हैं। और देखिए दोस्तों, इन दोनों सबवूफर के जो कनेक्शन हैं वो मैंने यहाँ पर पैरेलली किए हुए हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों इस मोनो एम्पलीफायर की सेटिंग्स वगैरह की, कि किस तरह से मैंने इसकी सेटिंग्स वगैरह को किया हुआ है। तो सबसे पहले है दोस्तों इस एम्पलीफायर की यहाँ पर गेन, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो, इसको मैंने यहाँ पर अभी 80% रखा हुआ है। और अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ LPF की सेटिंग्स की, तो इसको अभी मैंने यहाँ पर 0 रखा हुआ है। और अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ सबसोनिक की, तो इसको अभी मैंने यहाँ पर 50% रखा हुआ है। और अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ यहाँ पर बेस बूस्ट की फ्रिक्वेंसी की, इसको अभी यहाँ पर मैंने 50% रखा हुआ है। और अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ बेस बूस्ट की, जिसको यहाँ पर अभी मैंने 30% रखा हुआ है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों मैंने यहाँ पर इस मोनो एम्पलीफायर की सेटिंग वगैरह को किया हुआ है। और जैसे कि दोस्तों आप इस वीडियो में ये पूरा सेटअप देख पा रहे हो, अगर आपको यहाँ पर JBL के 1500 वाट सबवूफर की अनबॉक्सिंग और फुल डिटेल वीडियो देखनी हो, तो उस वीडियो का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अगर आपको ये जानना है कि ये सबवूफर बॉक्स किस तरह से बनाया गया है और क्या इसका साइज है, तो इसकी फुल डिटेल वीडियो का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। और दोस्तों अगर आपको इस वर्ल्टेक के 1000 वाट RMS मोनो एम्पलीफायर की फुल डिटेल वीडियो देखनी हो, तो इसकी वीडियो का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो अब है दोस्तों आपको इस सिस्टम की साउंड क्वालिटी चेक कराने की बारी कि इस वर्ल्टेक के मोनो एम्पलीफायर पर हमारे ये JBL के सबवूफर किस तरह से परफॉर्म करते हैं और इस सबवूफर बॉक्स के अंदर से हमको JBL के दो सबवूफर लगाने पर किस तरह की बेस देखने के लिए मिलती है। और साउंड क्वालिटी चेक कराने से पहले मैं आपको बता दूँ, देखिए दोस्तों अच्छी साउंड क्वालिटी के लिए आप एयरफोन का ज़रूर इस्तेमाल करें। और देखिए दोस्तों, अगर आपको इस म्यूजिक सिस्टम की सॉन्ग पर अगर आपको इसकी साउंड को चेक करना हो, सॉन्ग पर अगर आपको इस सिस्टम की बेस को चेक करना हो, तो इंस्टाग्राम पर मैं इसकी सॉन्ग्स की वीडियो डालने वाला हूँ। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, इंस्टाग्राम पर जाकर आप इसकी सॉन्ग्स की वीडियो देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पर इसकी साउंड क्वालिटी चेक करा देता हूँ। Thank you.
तो ये देखें दोस्तों, अभी गाड़ी से मैं काफ़ी दूर आ चुका हूँ, तो अभी दूर से हम इसकी साउंड को चेक करने वाले हैं कि दूर से हमको इसकी किस तरह की बेस देखने के लिए मिलती है। देखिए दोस्तों, एयरफोन का ज़रूर इस्तेमाल करें, तभी आपको इसकी साउंड क्वालिटी का पता चल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं यहाँ पर सॉन्ग को प्ले कर देता हूँ। तो दोस्तों, आपको इस म्यूजिक सिस्टम की साउंड क्वालिटी कैसी लगी है ये आपको कमेंट करके बताना है, और इस वर्ल्टेक के मोनो एम्पलीफायर की परफॉर्मेंस इन दोनों सबवूफर पर आपको कैसी लगी है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। अब रही बात मेरी, चलिए दोस्तों वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस वर्ल्टेक के 1000 वाट मोनो एम्पलीफायर की परफॉर्मेंस मुझे इन दोनों सबवूफर पर काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिली है। अभी मैंने यहाँ पर इंस्टाग्राम के लिए 8-10 वीडियो रिकॉर्ड की है, लगभग 30 मिनट मैंने इसको फुल वॉल्यूम पर चलाया है, एक बार भी ये मोनो एम्पलीफायर प्रोटेक्ट मोड में नहीं गया है, एक बार भी इस मोनो एम्पलीफायर ने ट्रिप नहीं किया है। तो दोस्तों, मुझे इस मोनो एम्पलीफायर की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिली है। और रही बात इन JBL के सबवूफर की, तो इन JBL के दोनों सबवूफर की परफॉर्मेंस भी मुझे काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिली है। तो अब बात करते हैं दोस्तों इस म्यूजिक सिस्टम के खरीदने की। देखिए दोस्तों, अगर आपको इस म्यूजिक सिस्टम में से कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदना है, तो इन सभी प्रोडक्ट के ऑनलाइन खरीदने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। और यदि दोस्तों इस म्यूजिक सिस्टम में से कोई भी प्रोडक्ट आप मुझसे खरीदना चाहते हैं, तो मेरी शॉप का एड्रेस और मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों जो नए लोग हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।